stay here. You want to stay here? Yeah. Where? Here. हम कहाँ तुम्हें भगा रहे हैं यहाँ से? We are not. इसको भी लाएंगे ना? Hello and welcome back to another episode of my channel. ये हमारा दूसरा बच्चा है. इसका नाम है ईसा. ईसा, let me introduce you to ईसा. He is my nephew. और ये सुबह सुबह सिर्फ मेरे पास आता है ना, जो गर्मी हो. अभी हम चाय वाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे. विल कैच यू लेटर. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अनदर पर्सन ऑफ दिस चैनल. ये है खैरा. खैरा, से समथिंग अबाउट योर सेल्फ. आई वांट स्टे हियर. व्हाट? आई वांट स्टे हियर. यू वांट टू स्टे हियर? या. वेयर? हियर. हम कहाँ तुम्हें भगा रहे हैं यहाँ से? वी आर नॉट. एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? Do you like Kashmir? Yeah. Why do you like Kashmir? Just because you have honey here. Isliye? Yeah, but this is my home. This is your home? Yeah. What about your Los Angeles? वो मेरा घर है. That is my home, है ना? आज का व्लॉग एक्सक्लूसिवली विल बी अबाउट माई ट्रेडमिल, जिसके बारे में मैं बताऊंगा उसकी स्पेसिफिकेशंस और वगैरह वगैरह, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज मैं उस पर कर सकता हूँ. और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि उसकी प्राइस क्या है और मैंने कहाँ से लिया है. ये तो मैं नहीं बताऊँगा मैंने कहाँ से लिया है, कितने में लिया है. सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा, सो दैट यू कैन, इफ़ यू हैव माइंड टू गेट दिस थिंग, यू कैन बाय ऑल्सो. So friends, this is my treadmill which I am using every single day for running and other exercises. ये है Costco Fitness का treadmill along with 3 more exercises you can do on it. और इसके अलावा इसमें 2 years की warranty है. I don't know, guarantee में मेरा confusion है. जिसकी help से आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी technical issue आता है तो आप उनको कॉल करके उनको यहाँ पे बुला सकते हैं. दे कैन फिक्स इट. इसके अलावा इसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं विच यू कैन डू. वन ऑफ देम इज़ जो आपको पता ही है कि इस पर रनिंग जॉगिंग कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़ यू कैन डू दिस थाइज विच आई डू रेगुलरली. अगर सुबह शाम में मुझे टाइम मिलता है आई डू इट रेगुलरली. थाइज में करता हूँ, पर डे करता हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट द थाइज लाइक द साइकिलिस्ट्स हैव. इसके साथ साथ इसका छोटा सा एक मॉनिटर है जो कि आपको टाइम दिखाएगा कि आपने कितनी देर तक किया, आपकी स्पीड दिखाएगा, आपकी कैलोरीज कितनी बर्न हुई वो दिखाएगा, आप कितने डिस्टेंस चले माइल्स में. आप चेंज करना चाहते हैं तो मोड्स में चेंज करके आप इसको माइल्स में करवा सकते हैं या किलोमीटर्स में करवा सकते हैं. पल्स आपकी ये दिखाता है जो कि आपको दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर पकड़ने के बाद आपको पल्स यहाँ पे शो होगा. इसके अलावा ये जो हैंडल है ये तो 2 चीज़ों के लिए उन्होंने बनाया है. वन इज़ फॉर इफ़ यू आर डूइंग थाइज यू कैन होल्ड दिस हैंडल, एंड सेकेंड इज़ अगर आप उस साइड में ट्विस्टिंग करते हैं तो आप इस हैंडल को पकड़ सकते हैं. दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट वे टू डू दिस एक्सरसाइज. और इसके अलावा दीज आर 2 एडजस्टेबल्स जो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप नहीं लगाना चाहते आप निकाल भी सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू असेंबल. आप खुद भी लगा सकते हैं. असेंबल्ड आता है ये, जब लाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही असेंबल्ड आता है. बस इसके 2 हैंडल्स अलग अटैच करने पड़ते हैं बाद में, जो कि वो खुद ही करते हैं. इसके अलावा मैं आपको 4 एक्सरसाइज दिखाऊँगा. एक तो इसमें ये होता है कि आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, सेकेंड आप थाइज करते हैं, थर्ड आप यहाँ पर ट्विस्टिंग कर सकते हैं फैट लॉस करने के टाइम पर बेली फैट, और इसके साथ साथ आप इसमें यहाँ पे, और लास्ट में आप इससे अपने पुशअप्स कर सकते हैं, अपनी चेस्ट बना सकते हैं और अपनी बाइसेप्स वगैरह जो भी आपको करना है. एंड दिस इज़ अ प्रोडक्ट विच आई हैव बॉट. इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव डन. मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द फाइन इन्वेस्टमेंट विच आई हैव डन इन दिस ईयर. काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये इन्वेस्टमेंट करके.
इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, ये मुझे और मेरी फैमिली को फिट रहने में काफ़ी हद तक, जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमें याद आता है वी हैव टू डू दिस जॉगिंग एंड वी हैव टू डू द एक्सरसाइज, अ काइंड ऑफ वाइब, इसके अंदर एक वाइब है जो ये एमिट करता है जस्ट लाइक रेडिएशन कि भाई आओ मुझे मुझसे एक्सरसाइज करो. तो इट्स वेरी 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 नाइस थिंग, यू शुड ऑल बाय दिस, इट्स वेरी इजी टू बाय एंड वेरी नॉट दैट मच एक्सपेंसिव जैसे कि बाकी सारे इक्विपमेंट्स आते हैं. इट केम टू अस विद प्राइस ऑफ 17,000 जो कि मैंने श्रीनगर के एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे लिया है. तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा. मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताया कि दिस इज़ अवेलेबल इन श्रीनगर. जो भी मैंने रिव्यू दिया इसका मतलब मुझे कैसा फील हुआ ये यूज़ करके, सारा ऑनेस्टली है, मुझे अच्छी लगी ये मशीन एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. 17,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट फॉर अ पर्सन टू स्पेंड ऑन हेल्थ, वो भी इसमें चार चार एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं एंड आई फील दैट्स नॉट अ बिग डील. और ये मशीन श्रीनगर में अवेलेबल है, यू कैन बाय इट फ्रॉम एनी, मतलब किसी भी सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात कीजिए, दे कैन गिव यू. एंड साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं टू चेक ऑन माय एक्टिविटीज़ एवरी डे. आई पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट एंड स्टोरीज एंड आई पुट द लिंक इन दिस इन द एंड और इन दिस साइड सो दैट यू कैन फॉलो एंड चेक आउट माय एक्टिविटीज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टिल देन खुदा हाफिज़.